नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विश्व कप के लिए भारतीय टीम घोषित। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में 14 फरवरी से खेले जाने वाले क्रिकेट विश्व कप 2015 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान होंगे। अटकलों के बावजूद युवराज सिंह को टीम में जगह नहीं मिल पाई है। टीम इस प्रकार है: महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू, भुवनेश कुमार, ईशांत शर्मा, आर अश्विन, उमेश यादव, स्टुअर्ट बिन्नी और मोहम्मद शमी। सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने कहा कि इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी को रहस्यमय परिस्थितियों में राजधानी के एक 5 सितारा होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय गांवों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सैनिकों ने कठुआ और सांबा जिले में कई सीमा चौकियों और 50 से ज़्यादा गांवों पर पूरी रात गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की ताज़ा घटना के चलते सीमाई गांवों के करीब 10,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कठुआ के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि सोमवार की रात 11 बजे से कठुआ में 50 गाँवों और कई सीमा चौकियों को निशाना बनाया गया और आज सुबह 4 बजे फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार थाईलैंड में गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह तारा को पुलिस ने सोमवार देर रात थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दोषी बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह तारा, जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्यौरा और देवी सिंह 2004 में चंडीगढ़ के बुढ़ैल जेल से 90 फुट की सुरंग खोदकर फरार हो गए थे। देवी सिंह अभी लापता है। भारतीय क्रिकेट टीम को पसंद आई पीके। सिडनी में टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कप्तान विराट कोहली अपने साथियों के साथ फिल्म पीके देखने पहुंचे और पूरी टीम ने फिल्म का मजा लिया। पीके देखने के बाद विराट ने फिल्म की तारीफों के पुल बांध दिए। उल्लेखनीय है कि पीके में विराट की खास दोस्त अनुष्का शर्मा लीड रोल में है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.webdunia.com।